पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब बट देर आर सम पीपल हु डोंट बिलीव इन दिस थिंग शी स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ 16 एंड वॉन अ नेशनल लेवल गोल्ड मेडल इन रग्बी शी ऑल्सो वॉन नेशनल लेवल अवार्ड्स इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड मेनी मोर सच अवार्ड्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तारुक दिस इज योर होस्ट मुनावर खान एंड टूडे वी हैव द यंगेस्ट रग्बी कोच विद अस इर्तिका अयूब तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 1 वेलकम टू द शो इर्तिका थैंक यू इर्तिका आपकी एक फोटोग्राफ हमने देखी थी जिसमें आपके बालों में मिट्टी लगी हुई है एंड आपके कपड़े में मिट्टी लगी हुई है डू यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एवरी डे रोज का तो नहीं है विंटर्स में रहता है अक्सर जब बारिश होती है बर्फ होती है तब रहता है ये सब सीन कीचड़ का ये फोटोग्राफ मैंने बिहार नेशनल्स में ली थी हम बिहार गए थे नेशनल्स खेलने जम्मू कश्मीर की टीम थी तो वहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी तो वहाँ ग्राउंड काफ़ी गीला था हमें टूर्नामेंट खेलना ही खेलना था फिर जब मैंने टूर्नामेंट खेला कीचड़ लगी ना दौड़ नहीं पाते थे हम उस कीचड़ में क्या हो गया था जब हम खेलते थे ना जब मैंने एक बार डाइव मारी मैच में तो वहाँ एक ड्रेन का पानी था वो मैं सीधे ना मेरा स्टोमक तक चला गया जो मैं फील हो गया कि मैंने ड्रेन का पानी पी लिया यादगार मोमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे पल है जैसे एक बार मेरी नाक टूट गई वो भी एक मूवमेंट है कीचड़ वाला भी काफ़ी ज़्यादा स्नो में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था स्नो में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता इर्तिका आपके कितने भाई बहन हैं मेरी एक बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है तो आपकी जब दीदी से हमने बात करी शी इज़ अ टीचर राइट या तो हमने उनसे बात करी उन्होंने बताया कि आप बहुत स्टबर्न है बहुत ज़िद्दी है क्या सच है हाँ मैं बहुत ज़िद्दी हूँ घर पर एज किस चीज़ में ज़िद है हर एक चीज़ में मैं ज़िद करती हूँ जिद्दी होने के बगैर हमें इनकी सिस्टर से ये भी पता चला है कि ये कुकिंग बहुत अच्छा करती हैं काफ़ी ज़्यादा लगभग लॉकडाउन में मैंने काफ़ी ज़्यादा कुकिंग तो मुझे आती थी काफ़ी अच्छी लेकिन इन दौरान मैंने काफ़ी अच्छा ज़्यादा कुकिंग ना खा बहुत सारी चीज़ें सीखी बनानी आप अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं अपने हॉबीज़ को भी फॉलो करते हैं इर्तिका शो के दौरान हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे मेन आपसे हम आपसे 5 क्वेश्चंस पूछेंगे दो पर्सनल क्वेश्चंस आपके फैमिली से रिलेटेड आपके फ्रेंड से रिलेटेड और अलग से कश्मीर के बारे में 3 क्वेश्चंस आपको अलग से और पूछेंगे अगर आप सही जवाब देते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस का तो आप कैफे जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करा है तो आपको प्लैटिनम मेंबरशिप देंगे 4 क्वेश्चन पे आपको गोल्ड मेंबरशिप दे देंगे और 3 या 3 से कम आपको रेगुलर मेंबरशिप मिलती है कैफे की तरफ से सो पहला जो पर्सनल क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि दीदी एक स्कूल टीचर है वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ पे उनका फेवरेट स्टूडेंट का नाम क्या है ये अक्सर घर पे ज़ाद के बारे में बोलती है आपको पता है आर यू श्योर अबाउट इट ये जो सही जवाब उनका नाम ज़ाद है तो आपको कब बताया था इन्होंने ये जब स्कूल से अक्सर जब से स्कूल से आती है नहीं बोलती है उस स्टूडेंट ने ये किया स्टूडेंट ने ये किया ज़ाद ने ऐसा किया ये अक्सर बताती है घर तो मतलब आप अपनी दीदी के बाहर काफ़ी क्लोज है आप मॉर्निंग में मैंने सुना दीदी आपकी दीदी ने बताया कि मॉर्निंग में आप लोग खेलने जाते हैं वो कैसा एक्सपीरियंस है आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे जैसे आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं फिर खेलते हैं आप लोग वहाँ पे आप अपनी दीदी के साथ भी रग्बी खेलते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें हम दीदी तो जाती थी वॉक पे सुबह सुबह तो मैं भी सुबह ट्रेनिंग करती हूँ मैंने उनको बोला चलो आप मेरे साथ मैं आपको अच्छा खासा दौड़ाऊँगी आप लोग शायद बातें करते हैं वॉक पे चलो मैं आपको अपने साथ खिलाऊँगी फिर बॉल के साथ इनकी रनिंग भी हो जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है फिर बाकी सारी लड़कियाँ हमें देख के आ जाती थी कि हम भी खेलेंगे आपके साथ रन करेंगे है ना जाते हैं वॉक अक्सर मैंने क्या देखा है जब मैं सुबह 5 बजे जाती 6 बजे मैं अक्सर देखती हूँ वहाँ लड़कियाँ औरतें जाती थी बातें करने गॉसिप्स लगाने तो जब मैंने उन्होंने देखा कि हम बॉल्स के साथ से रन करते हैं फन करते हैं तो उन्होंने बोला कि हम भी कल से आपके साथ खेलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे आपने थोड़ा सा उसमें तब्दीली लाई अगला क्वेश्चन आपके फ्रेंड से रिलेटेड है आपके फ्रेंड का नाम क्या है उबैद उबैद इज़ अ फुटबॉलर ही वो फुटबॉल खेलते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है फुटबॉल ओजिल 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 मिस्ट ओजिल राइट किस कंट्री के प्लेयर हैं ये जर्मनी ही इज़ अ जर्मनी फुटबॉलर दैट्स राइट आंसर मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपने फ्रेंड्स के बारे में पता होना उनका तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पता है कि उनको कब क्या पसंद है और क्या नहीं इट्स वेरी गुड लाइक यू नो अगर हमें अपने फ्रेंड्स के बारे में पता होगा मैं कहूँगा कि इन्होंने दोनों क्वेश्चन के अभी तक सही जवाब दिए हैं
इर्तिका, उबैद ने कहा था कि शायद आपको ये पता ही नहीं होगा, और उनको एक्सपेक्ट था कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उनको वो बताएंगे, बट लेकिन नहीं, वो अक्सर मैच देखते हैं ना फुटबॉल के, तो मैं सुनती हूँ काफ़ी, तो मुझे याद है कुछ कुछ फुटबॉल का, उनका क्या पसंद है क्या नहीं। इर्तिका, जो हमारा शो का अगला सेगमेंट है, इसका नाम है ओपिनियन। हम किसी कश्मीर में किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपका ओपिनियन पूछते हैं। हमारे पास कई सारे आर्टिस्ट आए हैं अभी तक, कई सारे प्लेयर्स आए हैं हमारे पास, तो उन्होंने हमें एक चीज़ जो कही कि कश्मीर में हमें क्रिटिसिज्म बहुत किया जाता है, और जो उन्हें थोड़ा सा पुल करता है। आप इस चीज़ को किस हद तक सही मानते हैं? लोगों का तो नहीं पता, मैं अपनी ही बात करूँगा, अपनी लाइफ के बारे में बात करूँगी। मैं लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थी, नहीं पता था कि क्रिटिसाइज़ क्या होता है, कि डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि आपकी काफ़ी छोटी एज थी। हाँ, मेरी काफ़ी ज़्यादा छोटी एज थी, मैं छोटी उम्र में कोच बनी, तो नहीं पता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इन सब चीज़ों का। एक बार क्या हो गया, जब मैं नेशनल खेल के आई थी, गोल्ड मेडल जीता नेशनल लेवल पे, उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट आएगा कि मैं कोचिंग कराऊंगी, उसके बाद मेरा नाम आगे बढ़ा, मेरा फेम आ गया, तो कहीं ना कहीं मेरे टीम में जेल्स फील होने लगे, बोला कि आप क्यों आगे बढ़े, लोग क्यों इर्तिका अय्यूब कहते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, आज तो सोशल मीडिया की ही वजह से सब आगे बढ़े, हर कोई प्लेटफॉर्म, कश्मीर में प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है, बिल्कुल। हाँ, तो सोशल मीडिया पे आप कुछ कह रहे थे? सोशल मीडिया पे उन्होंने मेरा फोटो डाला, तो उन्होंने कहा कि शी इज़ फेक, अभी तक तो मुझे खेलना आता था, अभी तक हो गया कि इसको अब खेलना नहीं आता, ये इसकी वजह से। तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी पे बहुत इफेक्ट पड़ा होगा। काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आ गई, एक साल मैं डिप्रेशन में रही। तो एक दिन पापा ने कहा, मैं घर वालों से भी बात नहीं करती, मुझे घर पर बैठने से डर लगता था, मैंने शायद मैंने गलती की लाइफ में स्पोर्ट्स को चूज़ करके, मुझे कोई और फील्ड लेना था। तो पापा ने मुझे बोला, एक दिन आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे फिर एग्जांपल्स दी, बोला स्टार बनना इजी नहीं है, स्टार बनने के लिए तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें लोग गालियाँ देंगे, तुम्हें सुननी होगी, तुम्हें लोग बहुत बातें सुनाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, अपने काम पर फोकस करना है। मैं कहूँगा कि अच्छा किया आपने अपने वो पापा की बात सुन ली। हाँ, दूसरों की बातें नहीं सुनी। जब मैंने पापा ने ये बात बोली, तो तब से मैंने कहा क्या, मैं गिव अप नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी मेरे सामने आए, लेकिन मैं हमेशा स्ट्रांग रहूँगी, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए। अगर मैं आज कर रही हूँ ना, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। पापा ने मुझे कंधे से कंधा मिला के मेरा सपोर्ट किया। कुछ और मुश्किलात आई, जैसे हमारी पहले डिस्कशन हुई थी कि आपने कहा था आपको थ्रेट्स आए थे, आपने उनको टैकल कैसे किया? कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मुझे मैसेजेस आती थी, मुझे कमेंट्स आते थे, गाली गलोच, मुझे बोला शायद सोशल मीडिया पे ये सब होता है, तो उसके वजह मुझे कॉल्स आने लगी ना, तो मैंने लाइटली लिया, उतना नहीं। जब मैंने दिन में मुझे जब 50 कॉल्स आए, 100 कॉल्स आए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से, तो मुझे डर लगने लगा, मैं डर गई, क्योंकि मुझे मार, एटलीस्ट मैं एक लड़की हूँ कश्मीर, मुझे मारने की धमकी आई और बोला कि आप अपना सोशल मीडिया बंद करो। तो मैंने सोचा कि नहीं, शायद मैं करूँगी, मैंने डीएक्टिवेट किया था किसी टाइम को लेकर, लेकिन पापा ने बोला क्यों किया आपने, तो फिर मैंने पुलिस की हेल्प ली। मैंने सोचा, बसंत राज सर थे उन दिनों यहाँ, तो मैंने उनको ट्विटर पर मैसेज की, वो मुझे जानते, मैंने बोला ऐसे मसला है कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैंने उनको स्क्रीन शॉट भेजा, तो उन्होंने किसी ना ऑफिसर को कॉल किया, कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे कॉल किया आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। फिर मैंने उनकी हेल्प ली, मैंने उनको स्क्रीन शॉट्स दिखाए, कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाए, उन लोगों को सबको लाया पकड़ के, उनमें कुछ लड़कियाँ भी थी, कुछ लड़के भी थे, बोला कि हम नहीं चाहते कि लोग इसकी तारीफ़ करें, ये आगे बढ़े लाइफ में, हम चाहते कि ये नीचे गिर जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि इसको नीचे गिराने की। तो काफ़ी ज़्यादा फील हो गया मुझे वहाँ पे कि मैं भी एक लड़की थी। आपका ये एक्सपीरियंस, मतलब आपको पर्सनली अपने फादर साहब के पास साथ पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता था, तो वो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही बुरा, नहीं पता था कि एक लड़की को पुलिस स्टेशन में आके खड़ा होना है, किस बात के लिए, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क की, तो कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट था, शायद मुझे स्पोर्ट्स नहीं लेना था, मुझे शायद छोड़ देना था। पापा ने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो पापा मेरे साथ आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मसला, और पापा ने मुझे आज तक अभी तक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हर एक चीज़ को लेके, चाहे मुझे बाहर जाना हो, चाहे मुझे यहाँ हो, चाहे मेरी स्टडीज़ हो, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। चलिए, पापा की ही एक बात आपने जो सुनी थी, उसी की वजह से आप आज इस कामयाबी तक पहुँचे हैं। और मैं भी आपको ये कहूँगा कि क्रिटिसिज्म है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं जैसे आपने अवॉइड किया है, और हम आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को पीछे छोड़ के। कथ बात किस यथ सशाना ने कशिर कथ कशिर करान कोशिश किस करो कशिर पढ़े कथ बे पो त्रे सवाल ते क्या क्या पुन यह तहजीब ब्रो पकन पानी जबान ब्रो पकन इर्तिका तुम वो स्क्रीनस कुन तो तुम प्रजन
इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर इशफाक भाई अच्छा तो जानन ये बो जानन इन वारे असल पट ये ती इते पर्सनालिटी छे बो जानन तिम सरी चाहे वो फुटबॉलर्स मन छे क्रिकेटर्स मन छे या पे कुन स्पोर्ट्स मन छे अशस मोस बासान की केज किम छे फुटबॉल गिनन तो एस वनी पाए तो छु रग्बी से वापस ता तो मोस बासान की तो छु फुटबॉल एक प्लेयर आस्नो ते पाए के और छु सही जवाब मैच इसलिए फुटबॉल ज्यादा पता के आज की बस गोना फुटबॉलर ही पता इस रग्बी मन तो इस गोना फुटबॉल गिनदा तो दोयम सवाल छु کُنوُہ شیٚتھ ترٛیہِ شیٖتس منٛز آو اکھ میچ گِنٛدنہٕ ییٚتہِ کِرکٹ میچ ویسٹ اِنڈیٖز تہٕ ہِندوستانس درمیان یہِ کَتھ سٹیڈیمس منٛز گِنٛدیوکھ تَمہِ وِزِ اگر بہٕ تُہۍ سٹیڈیمٕچ کَتھ چھُو کران کٔشیٖر منٛز چھِ اکٕے فیمس سٹیڈیم سۄ گٔے بخشی سٹیڈیم یُس برونٛٹھ پٮ۪ٹھ چھِ ییٚتہِ تۄہہِ چھُو باسان یہِ اوس تتھ منٛز یہِ آسہِ تتھ منٛز آمُت گِنٛدنہٕ مےٚ چھُ باسان تتھ منٛز بہٕ وَنو یہِ اوس نہٕ تتھ منٛز آمُت گِنٛدنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ غلط جواب صحیح جواب بیٚیہِ دِمو تۄہہِ مطلب تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ بیٚیہِ کُس سٹیڈیم چھُ ییٚتہِ ییٚتہِ کِرکٹ چھِ گِنٛدان شہری خاص سٹیڈیم چھُ ییٚتہِ ییٚتہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان سۄنوار یُس چھُ یُس سۄنوارَس منٛز سٹیڈیم چھُ تَتھ چھُ ناو شیرِ کشمیٖر تَتھ منٛز اوس یہِ آمُت گِنٛدنہٕ وَننہٕ چھِ یِوان کہِ ویسٹ اِنڈیٖزٕکۍ اَکھ پٕلیر ٲسۍ تِمو لَگو شاٹ اَکھ سِکِس لَگو تِمو سُہ آو بٔرنہال سکوٗلَس منٛز گٔے سۄ بال أسۍ چھِ ناظرینَن پِرٛژھان کہِ سُہ کُس ویسٹ اِنڈیٖزُک پٕلیر اوس ییٚمۍ سُہ سِکِس لایو سُہ گٔیو بٔرنہال سکوٗلَس منٛز تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ کَمنٹَن منٛز ؤنِتھ تٔمۍ سُنٛد ناو ییٚمہِ حِصُک ترٛیٚیِم سوال تہٕ شووُک ٲخری سوال چھُ تۄہہِ خٲطرٕ کہِ کٔشیٖر منٛز کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ زیوٗٹھ دٔریاب یَتھ رِوَر وَنو أسۍ سُہ کُس دٔریاب چھُ چِناب تۄہہِ چھُوا پوٗرٕ پاے کِنہٕ جہلِم چھُ نہ چِناب چھُ چِناب چھا یہِ چھُ صحیح جواب کُل مِلٲیِتھ دِتھ اِرتِقاہَن پانٛژو سوالو منٛز ژۄن سوالَن صحیح جواب گوٚو یِمَن چھِ واریاہ ذہنیت کٔشیٖرِ مُتعلِق اگر تۄہہِ تہِ کینٛہہ سوالات چھُو تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ تِم کِس سوالات کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَن منٛز پِرٛژھِتھ أسۍ پِرٛژھو یِم یور اَسہِ مہمان چھِ یِوان أسۍ پِرٛژھو تِمَن تِم سوالات اِرتِقا کیٛازِکہِ تۄہہِ دِژوٕ پانٛژو سوالو منٛز ژور سوال صحیح جواب کیفے ایکس چھُو دِوان تُہۍ لایف ٹایم گولڈ مٮ۪مبَرشِپ تۄہہِ چھُو اَتھ خٲطرٕ مُبارک شُکریہ اِرتِقا آگے بَڑھتے ہیں اور شو کے ہمارے حِصے کا نام ہے ریپِڈ فایر راؤنڈ ہم آپ سے کُیِک سوالات پوٗچھیں گے آپ کو بِنا سونچے زیادہ سونچنا نہیں ہے آپ کو ان کا جواب دینا ہے آر جے عمر یا کوچ عرفان آر جے عمر کوئی خاص وجہ آر جے عمر نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے اگر آج آپ رگبی نہیں کھیل رہے ہوتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں میں کسی اسکول میں ٹیچر ہوتی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کشمیر میں فیمس فٹ بال ٹیم کا نام ریئل کشمیر فٹ بال کلب کسی دن اگر آپ اپنی ٹیم بنائیں گے اس کا نام کیا ہوگا کشمیر فٹ بال کلب کشمیر فٹ بال کلب آلریڈی ہے کوئی اور نام تو وہ تو ریئل کشمیر ہے ریئل والا کشمیر ہے میں رگبی والا کشمیر رکھوں گی اچھا رگبی والا پرویز رسول یا منظور پانڈو پرویز رسول ارتقا بہت ہی تیز ہے بہت ہی تیز تیز آپ نے آنسر دیا اور اسی کے ساتھ ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ختم ہوتا ہے ارتقا جو ہمارا اگلا راؤنڈ ہے اس کا نام ہے فن راؤنڈ تھوڑا سا آپ کے ساتھ کھیلیں گے ہنسیں گے تو میں آپ کو سب سے پہلے ایک ٹنگ ٹوسٹر پوچھوں گا کشمیری ٹنگ ٹوسٹر ٹنگ ٹوسٹر اس طرح سے کھدر مو بونہِ پٮ۪ٹھ کھدر مو چھِ اکھ جاے پامپرٕ کھدر مو بونہِ پٮ۪ٹھ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ برٛیگ چھُ آسان اکھ جانور بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ کھدر مو بونہِ پٮ۪ٹھ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ تۄہہِ چھِو وَنٕنۍ دَہہِ لَٹہِ کھدر مو بونہِ پٮ۪ٹھ ہاں کھدر مو بونہِ پٮ۪ٹھ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ خدر ماں بونہِ پٮ۪ٹھ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ واپَس کَرتی خدر ماں بونہِ پٮ۪ٹھ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ خدر ماں بونہِ پٮ۪ٹھ بٔڈٕ برٛیگ نہیں خدر ماں بونہِ پٮ۪ٹھ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ بٔڈٕ برٛیگ 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 ہاں برٛیگ برٛیگ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ خدر ماں مےٚ کَرو سٹاٹ خدر ماں بونہِ پٮ۪ٹھ بٔڈٕ برٛیگ بِہِتھ 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 وۄنۍ چھِ مے تَگان وۄنۍ چھَنہٕ تَگٲنی یہِ چھُ صحیح
چلو وۄنۍ چھُ مےٚ تۄہہِ سۭتۍ اکھ سوال، وۄنۍ کٔرِو تُہی رِپیٖٹ یہِ دَہہِ لَٹہِ، مےٚ خٲطرٕ چھُ واریاہ مُشکِل، مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، تُہۍ کٔرِو کوٗشِش، کوٗشِش کَرنَس منٛز کیٛاہ گژھِ تۄہہِ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ کوٗشِش کٔرِتھ، اَسہِ گژھِ نہ فُٹیج زیادٕ، نہ 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 تُہۍ چھُو یہِ کَرُن، یہِ گژھِ چیٖٹِنٛگ، بہٕ کَرٕ کوٗشِش، بہٕ ترٛاوٕ سُہ ویٖڈیو الگ پٲٹھۍ، نہ 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 سُہ چھُ یہِ أتھۍ سۭتۍ ترٛاوُن، تیٚلہِ چھُ فن اَکھ اِرتِقا جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، ہم آپ کو ایک آزادی دیتے ہیں، جیسے آپ کو گراؤنڈ میں ایک آزادی ہوتی ہے، آپ بال کے پیچھے تو دوڑتے ہیں لیکن آزادی ہوتی ہے دوڑنے کی، ایک میسیج جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں گے، دا میسیج دیٹ انسپائرز، یہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ پہلی میسیج میں پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں، وہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرے اور اپنے بیٹوں کو سپورٹ کرے، چاہے وہ اسپورٹس کا فیلڈ ہے یا کوئی اور فیلڈ ہے، ان کو سپورٹ کرے، ان پہ ٹرسٹ رکھے، وہ جیسے میں نے اپنے گھر والوں کا نام روشن کیا، انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، ویسے ہی آپ کے بچے، آپ ان پہ ٹرسٹ کریں، وہ بھی آپ کا نام روشن کریں گے۔ دوسری میسیج میری یہ رہے گی کہ ان لڑکیوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتی ہے لائف میں، چاہے وہ اسپورٹس کا فیلڈ ہے یا کوئی اور فیلڈ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بتائے کہ ہم لائف میں ایسا کرنا چاہتے ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم آپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ان کے بھائی بہن ان کو سپورٹ کرے اور ہر ایک فیلڈ میں آگے آئے۔ تھینک یو۔ ارتقا نے بہت خوب کہا کہ ہمیں اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کا اگر وہ کسی پیشن کو فالو کرتے ہیں۔ ارتقا ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے قیمتی وقت نکالا، کھیل کے میدان سے آپ یہاں آئے اور ہمارے ساتھ تھوڑا سا اپنی بات چیت کی، اس کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینکس فار کمنگ ٹو دا شو۔ ویلکم، تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد گولڈ کے اوپر کون سا پلیٹینم؟ وہی رکھا ہے پلیٹینم، نہیں جیتا میں نے، اللہ۔ دیر آر پلیئرز ہو آر سٹبن، your players were stubborn to win, because this is good.